नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव भुवनेश कुमार जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी सहित अन्य विभागों का बारीकी से निरीक्षण किया। मंगलवार को जनपद मुजफ्फरनगर के नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव भुवनेश कुमार जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सालय का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने इमरजेंसी सुविधा, पैथोलॉजी लैब, दवा व्यवस्था, नेत्र चिकित्सालय सहित सभी सुविधाओं का जायजा लिया, जहां सभी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। वहीं उन्होंने CMS पंकज अग्रवाल को बधाई दी, जिनके नेतृत्व में जिला चिकित्सालय की सुविधाएं बेहतर बनी हुई है। जनपद स्तर पर विकास कार्यक्रमों का सत्यापन करने के लिए शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है, और उसमें ये एक कड़ी के रूप में जिला अस्पताल का निरीक्षण भी शामिल है। तो आज यहाँ पे मैं आया और डॉक्टर साहब के साथ में बाकी भी अधिकारी थे, पूरे अस्पताल का दौरा किया, इमरजेंसी भी देखा, बच्चों का वार्ड भी देखा, जो दवा का स्टोर है वो भी देखा, OPD भी देखा, पैथोलॉजी भी देखा। तो यहाँ की व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी पाई गई, तो डॉक्टर पंकज के नेतृत्व में यहाँ की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी खटकी कि दवाई के लिए जो पेशेंट लाइन में लगे हुए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ रहा। तो मैंने सुझाव ये दिया कि एक तो बेंच बनवाए जा सकते हैं, प्लस कुछ काउंटर बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे कि मरीज को खड़े न रहना पड़े, क्योंकि वो पहले से बीमार है और एक घंटे तक अगर वो लाइन में खड़ा है तो उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है, इसलिए इसका समाधान किया जाए। मैंने देखा जनरली सफाई की स्थिति ठीक है यहाँ पे, और जिस प्रकार का अरेंजमेंट किया गया है, अलग अलग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का और क्लोरीन का, तो लगता है कि सामान्यतः भी व्यवस्था ठीक रहती होगी। तो बाकी इतना बड़ा सिस्टम है जहाँ रोज़ 4,000 से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, इसका अर्थ है कि साल में 1,00,000 से ज़्यादा पेशेंट जो है अस्पताल में आते हैं, तो इतनी बड़ी व्यवस्था में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन सामान्य प्रयास अच्छा है। हर किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक ये है कि अगर गाड़ियों को आने से बंद कर दिया जाए तो पेशेंट को वहाँ उतर के आना पड़ेगा, जो बाहर दुकानदार हैं उनको असुविधा होगी, सड़क पर जाम लगने लगेगा। दूसरी तरफ ये है कि अगर अंदर आते हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाई अंदर पेशेंट्स को होती है, तो किसी न किसी जगह पर समझौता करना पड़ता है इन कठिनाइयों की स्थिति में, और उसका कोई परमानेंट हल नहीं अवेलेबल है। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि अच्छी व्यवस्था की गई। सरकार की नीति है कि वरिष्ठ अधिकारी विकास कार्य और जिले का भी दौरा करें, उसी के क्रम में जो हमारे प्रभारी प्रमुख सचिव हैं हमारे जिले के, श्री भुवनेश कुमार जी का आज दौरा हुआ, उन्होंने सब डिटेल में सब दौरा किया और उनको व्यवस्था उन्होंने अच्छी पाई, सफाई व्यवस्था पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया और उन्होंने देखा कि मरीज की अधिकता है, उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था ठीक ठाक पाई। उन्होंने इमरजेंसी का निरीक्षण किया, ब्लड बैंक देखा, NRC देखा, आउटडोर देखा, पैथोलॉजी लैब देखी, जहाँ पे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो देखा। तो उनको और उन्होंने जहाँ पर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वहाँ पर भीड़ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो उन्होंने इस पर निर्देश दिया कि इसमें कुछ आप ध्यान दीजिए इसमें कि कुछ लाइन ज़्यादा ना लगे, जिससे कि मरीज को ज़्यादा लंबा ना खड़ा होना पड़े। तो उसमें एक डिसाइड किया गया कि जहाँ मरीज लाइन लगी हुई है वहाँ पे लंबी बेंच बनवा देते हैं, जिससे कि मरीज बैठ कर सके, और अगर नई व्यवस्था हम उनसे हो सक संभव हो सकती है कि नया काउंटर बन सकता है, अगर जगह मिलती है और हमें मैन पावर मिलती है तो हम कोशिश करते हैं कि नए काउंटर ही बनाएँ। तो पूरा अच्छा था और लगभग प्रमुख सचिव हमारे पास आए थे यहाँ पर 12 बजे के, 12 से पहले आ गए थे 11:30 बजे के। तो संतोष व्यक्त किया हूँ मैं। हाँ, सभी संतोष। जनपद मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में नाला निर्माण में हो रही धांधली के विरोध में व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को जनपद मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने नाला निर्माण में हो रही गड़बड़ी का विरोध किया। वहीं उन्होंने नाला निर्माण की दिशा न बदले जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी। विगत वर्षों से गांधी कॉलोनी में जलभराव की समस्याएं हुआ करती थी, उसको लेकर पिछले साल मेरे द्वारा जो है 3 नाले पास कराए गए, जिसमें 2 नगर पालिका से हैं, 1 MDA से है, और क्षेत्रीय सभासद की समिति पे नाले पास कराए गए थे। किंतु जब ये नाले बनने शुरू, पहला नाला बनना शुरू हुआ तो उसमें कुछ स्लोप को लेकर और आबादी को लेकर जो है कुछ दिक्कत महसूस हुई। हमारी टेक्निकल टीम और एक्सचेंज जल निगम की टीम ने इसका मुआयना किया
और ये पाया कि जो नाला पास हुआ है उसकी दिशा मोड़नी पड़ेगी तभी फ्लो हो पाएगा। उसी की चलते कुछ लोगों ने इसका विरोध दर्शाया है कि नाले का रूट चेंज किया जा रहा है, किंतु हमारी टेक्निकल टीम और दोनों टीमों ने कह दिया है कि नाले का स्लोप ये सही है और इस पे पेड़ और खंभे जो आ रहे हैं वो भी नुकसान कम होंगे। इसी को लेकर इनका विरोध है। अभी प्रयास चल रहा है कि इनसे आपस में दोनों पक्षों से वार्ता हो रही है, माननीय विधायक से भी वार्ता हुई है, वो भी इसमें बीच में बैठेंगे। आई होप तो कि दो दिन में सलूशन निकल जाएगा। सर ये लोग हैं उन्होंने नाले को लेकर दुकान भी बंद करी थी कि मार्केट बंद रखेंगे। एक्चुअली नाला पहले आबादी से होकर जा रहा था जो कॉमर्शियल कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी है, लेकिन चूंकि उसकी रोड छोटी है और जो मेन मार्केट है उसकी रोड काफ़ी चौड़ी है, नाला एक मीटर का बनने से गली में दिक्कत हो सकती है कि वहाँ बच्चे जाते हैं स्कूल के, कॉलोनी है, मेन रोड की रोड चौड़ी है, तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारी मार्केट को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। नाला प्रशासन के द्वारा स्वीकृत होकर ये गांधी कॉलोनी के अंदर से निकाला जा रहा है। 60 साल के अंदर तक 60 साल हो गए गांधी कॉलोनी में, कभी इस प्रकार की पानी की दिक्कत नहीं आई। बारिश के टाइम पे कुछ पानी एक दो गलियों में रुक जाता था जिसकी वजह से यह समस्या थी, और उसके लिए पूरे गांधी कॉलोनी के बाजार को, मेन रोड को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। और इसके अंदर एक मीटर नाले का निर्माण स्कूल से लेके मेन रोड तक, जो कि पीछे से आर्य समाज रोड पे, आप लोगों ने आज बाजार ही बंद किया है, आर्य समाज रोड पर निकाला जाना था, जो अब मेन रोड की तरफ निकालने का दबाव बनाया जा रहा है जो कि बिल्कुल अनुचित है। और आज बाजार भी बंद कर रहा है। इसका विरोध पूरा दुकानदार कर रहा है। आज ADM प्रशासन साहब दोबारा मौके पर आए थे। ADM प्रशासन साहब दोबारा मौके पर आए थे और इस नाले की समस्या को उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे यहाँ रोकेगा तो मुझे चाहे बल प्रयोग करना पड़े, तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इनकी वार्तालाप करके इस नाले को ढका हुआ बनाया जाए और इसका जो पानी की निकासी है इस तरह से निकाली जाए। सारे शहर के अंदर सीवर डल गए हैं, तो क्या गांधी कॉलोनी में सीवर डालकर इस पानी को नहीं निकाला जा सकता? अगर ये नहीं होता और खुला नाला रखा जाता है तो पूरे दुकानदार गांधी कॉलोनी के बाजार बंद रखेंगे जब तक ये प्रतिक्रिया का सोल्यूशन नहीं हो जाता। आज ये बाजार बंद किया? आज भी बाजार इस विरोध में, आज पूरा मार्केट जो है पूरा बाजार बंद है, प्रशासन देख रहा है। ठीक है और बंद रहेगा, और बंद रहेगा जब तक इस बात। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ CHC का खतौली विधायक विक्रम सैनी ने निरीक्षण किया, जहां मिली खामियों पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। जानसठ में CHC व महिला चिकित्सालय की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खतौली विधायक ने औचक निरीक्षण कर केंद्र पर मिली खामियों को लेकर भड़क गए और महिला चिकित्सालय में दो कर्मचारी अनुपस्थित मिलने पर उन्होंने उनकी अनुपस्थिति दर्ज की। मंगलवार को खतौली विधायक विक्रम सैनी द्वारा महिला चिकित्सालय में अचानक पहुंचकर औचक निरीक्षण करने लगे, जिसको लेकर चिकित्सालय पर हड़कंप मच गया। वहां गंदगी का हाल देख विधायक भड़क गए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए तुरंत सफाई व्यवस्था कराने को कहा। चिकित्सालय में दो कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाने पर उनकी अनुपस्थिति रजिस्टर में दर्ज कर दी गई। इसके बाद CHC पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया गया। उन्होंने जच्चा बच्चा केंद्र में मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। विक्रम सैनी ने बताया कि उन्हें CHC पर डॉक्टरों के देर से बैठने की लगातार शिकायत मिल रही थी। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड केंद्र पर उपस्थित दवाइयों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि समय से केंद्र पर बैठकर लोगों की सेवा करना ही डॉक्टर का कर्तव्य होता है। CHC पर समय पर ना बैठने वाले डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक के निरीक्षण के दौरान केंद्र पर अफरा तफरी मची रही। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा पुल के निकट स्थित यूनिसेक्स सैलून का उद्घाटन किया गया, जिसमें बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर अमजद नदीम भी मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा पुल के निकट स्थित यूनिसेक्स सैलून का उद्घाटन किया गया, जहां भारी संख्या में नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर अमजद नदीम मौजूद रहे, जिन्होंने फीता काटकर सैलून का उद्घाटन किया। वहीं सैलून के स्वामी ने बताया कि इस सैलून में अन्य सैलून से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए उचित रेट भी निर्धारित किए गए हैं। बहुत अच्छा लगा अपने लोगों से मिलके, अपने दोस्तों से मिलके, अपने सभी भाई से मिलके। हेवन सैलून के जो पार्टनर हैं वसी भाई,
अभिवक्ता साहब का जिक्र किया मैंने, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं चाहता हूँ मुजफ्फरनगर में जैसा एक सैलून खुला है, मैं चाहता हूँ इसकी ब्रांच और बढ़े और आगे तरक्की करे। हेवन सैलून बहुत पॉजिटिव वाइब्स है इसकी यहाँ पर, और बहुत मोहब्बत मिलती है लोगों को यहाँ पर आने के बाद। जो एक बार आता है वो एक बार यहीं का बन के रह जाता है, वो दूसरी जगह जाता नहीं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वाइब्स है और बहुत अच्छा सैलून। मैं ये कहना चाहूँगा देयर इज़ नो शॉर्टकट इन द लाइफ, बी प्रैक्टिकल। जो मेहनत है वो आप करते रहिए, तरक्की मिलनी ना मिलनी ऊपर वाले के हाथ में है। और अपना बेस्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना बेस्ट कीजिए, अपने बड़ों का अदब करें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। फैमिली इज़ मस्ट, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग होते हैं कि तरक्की के चक्कर में फैमिली छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली आपको दुआएं देती है कि आप आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ जाते हो उसके बाद सबसे पहले फैमिली को छोड़ देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि फैमिली का ध्यान दिया जाए। जैसी भी है, जब आपके पास थोड़ा होता है उसमें वो गुजारा करती है, और जब ज़्यादा होता है तो आप उन्हीं को छोड़ देते हो। तो बेटर वे ये है कि अपने लोगों का साथ दो, अपने लोगों से मिलजुल के रहो, उनमें प्यार बांटो, इज्जत दो उनको, रिस्पेक्ट दो। जिस तरीके से मुझे सहारनपुर में मिलती है, क्योंकि मैं वहाँ पर पैदा हुआ हूँ, मेरे नाना नानी दादा दादी का घर है वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर हुआ है। जैसे मेरे मामा है राजा मामा, आज भी वहाँ पर रहते हैं, तो वो प्यार मिलता है मिट्टी में, वहाँ जुड़ते हैं हम वहाँ के लोगों से। जो जिम्मेदारी है हमारी और बढ़ जाती है लोगों को देख कर, कि उनके प्रति हमारे लिए प्यार, जब हम जाते हैं इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, इतना सोचते हैं हमारे बारे में, तो हम ये यादें लेकर बॉम्बे जाते हैं और वो जिम्मेदारी मानकर उस तरीके से हम अपना काम करते हैं, ताकि हम एक चीज़ छोटी सी भी, आज जितनी भी मूवी के मोर देन 40 मूवीज आई हैव डन, तो अमजद नदीम आमिर हम इस ब्रांड को यूज़ करते हैं। अमजद भाई नहीं आ पाए कुछ वजह से, आमिर भी नहीं आ पाया, तो मैं मम्मी के साथ में यहाँ पर आया हूँ। थोड़ा सा कुछ ट्रेजेडी हो गई थी फैमिली में, तो मम्मी के साथ में आया हूँ। तो ये बहुत अच्छा मौका था कि यहाँ पर हेवन सैलून खुला है, तो इसमें शिरकत हो गई। मोहब्बत है, प्यार है इनका। मैं ये संदेश देना चाहूँगा, हमारे यहाँ आए उनको यहाँ पर एकदम प्रोफेशनली तरीके से यहाँ पर उनको ट्रीट किया जाएगा, और उन्हें अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। क्योंकि हम जो है, मैंने जो यहाँ पर डिप्लोमा किया है वो रसूल कोचर से किया है। तो क्या अभी आपने प्राइज रखा है कुछ, कितने प्राइज है इसी तरह? तो हमारे जो रेंज है, जो हमारा शहर उसको देखते हुए हमने यहाँ पर अभी हमने उनको अच्छे से ट्रीट करने के लिए उनको 50% ऑफ पर चलाया है इस कार्ड। पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों पर हुए हमले के विरोध में यूनानी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने 24 घंटे हड़ताल रख विरोध जाहिर किया। है पश्चिमी बंगाल में कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। अभी करीब एक सप्ताह पहले वहाँ पर दो जूनियर डॉक्टर्स को कुछ गुंडों के द्वारा इतना पीटा गया कि वो दोनों लोग डेथ बेड पे हैं, और लगातार ये घटनाएं पश्चिमी बंगाल में हो रही हैं। वहाँ के डॉक्टर्स ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से ये मांग की कि आप हमारी बात सुन लें और हमें सुरक्षा व्यवस्था दें, और हमारी कुछ मांगे हैं वो मान लें तो फिर हम काम करेंगे। उनका बहुत हटवादी रवैया रहा और उन्होंने बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। फिर ये हड़ताल धीरे धीरे पूरे पश्चिमी बंगाल में फैल गई,
और पश्चिमी बंगाल के बाद में ये हड़ताल दूसरे प्रदेशों में फैली और धीरे धीरे देश में चली गई। भारत के स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी अपील की, ममता बनर्जी से भी अपील की और डॉक्टरों से भी अपील की कि आप दोनों को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए ताकि जो मरीजों के साथ, जो मरीजों का एक तरह से उन्हें इलाज नहीं मिल रहा, चिकित्सा नहीं मिल रही, उन्हें चिकित्सा मिल सके। पर ममता बनर्जी अपनी हट पर अड़ी रही और चिकित्सकों से बात करने को तैयार नहीं हुई। और तो हमारा कहना ये है कि सारे देश के चिकित्सक आज हड़ताल पे हैं, लेकिन मैं चिकित्सकों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि चाहे वो, जैसे मैं आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा बोर्ड उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, आज पूरे प्रदेश के अंदर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, यूनानी डॉक्टर्स, आईएमए के डॉक्टर, सारे डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं और इमरजेंसी खुली है, वो मरीजों को सेवाएँ दे रहे हैं। तो मेरी मांग ये है, हम सब चिकित्सकों की मांग ये है कि ममता बनर्जी को बर्खास्त कर पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और डॉक्टरों से बात की जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए। जनपद सहारनपुर में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई वाहनों के चालान भी काटे गए। यातायात पुलिस सहारनपुर ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक यातायात अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौराहों पर अभियान चलाकर बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 16 वाहन सीज किए गए तथा 112 चालान कर 28,1600 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चालानी कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक भी किया गया। जनपद सहारनपुर के गांव उनाली में ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश चौधरी ने फीता काट कर किया। भाजपा नेता मुकेश चौधरी ने ग्राम उनाली में ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। भाजपा नेता मुकेश चौधरी ने सहारनपुर नकुड़ रोड पर ग्राम उनाली में ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने टीम के खिलाड़ियों से परिचय किया और सभी खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आपसी सौहार्द तो कायम रखती ही हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी निखारने का काम करती हैं। इस मौके पर कमेटी मेंबर शिवम चौधरी, अमित प्रजापति, अरुण सत्यम आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हिंड में दो मंजिला मकान धराशायी हो गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल मामला शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हिंड का है, जहां पर गयूर नामक युवक अपने 6 भाइयों के परिवार के साथ गांव में बने दो मंजिला मकान में रहता है। सुबह लगभग 8 बजे दूसरी मंजिल का लेंटर अचानक से भरभराकर गिरना शुरू हो गया। घर से बाहर एक सदस्य ने जब लेंटर को गिरते हुए देखा तो उसने शोर मचा दिया। घर में मौजूद 20 से 25 सदस्य शोर शराबा करते हुए घर से बाहर भागने लगे, जिसमें करीब 6 लोग लेंटर के मलबे में ही दब गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घर में मौजूद महिलाओं व बच्चों को मलबे से बाहर निकाला, जबकि मकान में ही एक 6 वर्षीय बालक फैजान पुत्र आसिफ मलबे में दब गया और 6 वर्षीय फैजान की मकान के मलबे में दबकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर ग्रामीणों का तांता लग गया और मलबे में दबे अन्य लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जिसकी सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मौके पर पहुंचे, जहां से घायलों को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल शामली प्रशासन, फायर ब्रिगेड, जेसीबी आदि संसाधनों को लेकर मौके पर पहुंची, जहां पूरे मकान से मलबा हटाने का राहत कार्य जारी है। आज दिनांक 18/6/19 को समय करीब 08:00 बजे एक गयूर है, गयूर जिनका दो मंजिला मकान था, वो अचानक अपने आप भरभरा के गिर गया, जिसमें करीब 30-35 सदस्य रहते थे पूरे सामूहिक रूप से। ये दो पार्टों में था, आगे बरामदा पीछे मकान थे, जिसमें इनके गिरने का अंदेशा पिलर बैठने से हुआ, जिससे कुछ अंदेशा से कुछ घर के सदस्य बाहर निकल गए, कुछ पीछे के पोर्शन में फंस गए। एक बच्चा उसी भागा दौड़ में बीच में पड़ गया, जो जिसका मृत्यु हो गया। वो 4 साल का बच्चा है और जिसका नाम है फैजान। तो सर PM वगैरह करा रहे हैं? हाँ, उसमें हमारी थाना भवन की पुलिस
आवश्यक कार्रवाई में लगे हुए हैं। जो कार्रवाई है उचित वो कार्रवाई करें। जनपद शामली के कांदला थाना इलाके में कश्यप समाज के 12 गांवों की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली के विरुद्ध रोष प्रकट किया गया। शामली जनपद के कांदला थाना इलाके में 12 गांवों की पंचायत का आयोजन किया गया। कश्यप समाज के लोगों ने पुलिस कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस के रवैये से आहत होकर सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुषों ने पंचायत में हिस्सा लिया और शामली पुलिस के प्रति घोर निंदा व्यक्त की है। आरोप है कि 4 दिन पहले गांव में आई बारात के लोगों ने डीजे पर डांस कर रही महिलाओं से छेड़छाड़ कर दी थी और विरोध करने पर जबरदस्त मारपीट कर कई लोगों को घायल कर दिया गया था। जब पीड़ित मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो थाने में मौजूद अधिकारीगणों ने पीड़ित शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। बावजूद इसके कांदला पुलिस पीड़ितों से बार बार तहरीर बदलवाती रही और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। उसी के विरोध में 12 गांवों के लोगों ने एकजुट होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल पूरी घटना कांदला थाना क्षेत्र के गाँव ढूंढार की है, जहाँ पर 4 दिन पहले जनपद मुजफ्फरनगर के गाँव गोहला व श्रीनगर से बारात आई हुई थी। शादी का जश्न था और बाराती वे घराती डीजे पर डांस कर रहे थे। उसी बीच बारात में आए कुछ युवकों ने डीजे पर डांस कर रही लड़की पक्ष की महिलाओं से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो उक्त दबंगों ने धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिससे लड़की पक्ष के 4 लोग घायल हो गए थे, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित थाने पहुंचे, जहां पर पीड़ितों से अमानवीय व्यवहार किया गया और शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि पीड़ितों को घायल अवस्था में थाना अध्यक्ष कांदला ने थाना परिसर में ही बैठाए रखा और बार बार पीड़ितों से शिकायत पत्र बदलवाते रहे। पुलिस के इस रवैये से समस्त कश्यप समाज के लोगों में आक्रोश है, जिसको लेकर आज शामली पुलिस के विरोध में 12 गांवों की पंचायत का आयोजन किया गया है। अगर 2 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाती तो कश्यप समाज के लोग एकजुट होकर महापंचायत का आयोजन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। जी, हमारे यहाँ 2 बहनों की शादी थी, उसमें कुछ गुंडों ने आके अभद्रता और छेड़छाड़ की। आज 4 दिन बीत गए, उस बात को कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं हमारी कोई सुनवाई हुई है। पुलिस ने हमारी तहरीर बदलवाने की कोशिश की और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई गिरफ्तारी की, ना हमारी FIR ली गई है। कितना दिन बीत गया? 4 दिन हो गए जी। तो जिस तरीके से आप पंचायत की है आपने अपनी मांग पूरी कराने के लिए, अगर आगे आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करोगे? हम महापंचायत करेंगे। जासठ ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे ग्रामीणों ने चकबंदी कार्य बंद कराने की मांग को लेकर हंगामा काटा। जासठ में संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों के न होने से पीड़ित मायूस नजर आए। वहीं प्रमुख के साथ आए सैकड़ों ग्रामीणों ने एक बड़े पैमाने पर धांधली को लेकर हंगामा किया। क्या चल रही है उसमें चकबंदी कर्मचारियों द्वारा खुली लूट की जा रही है, अवैध रूप से चेक काटे जा रहे हैं और चेक के नाम पर पैसे ले जा रहे हैं एक दूसरे का चेक दूसरे में रखने के लिए। सभी ग्रामीण चाहते हैं कि गांव में चकबंदी ना हो, किंतु चकबंदी अधिकारी जबरदस्ती चकबंदी कर रहे हैं। इसके विरोध में आज यहां सब ग्रामीण आए और उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तहसील दिवस में इसकी शिकायत की। तो प्रार्थना पत्र किसको दिया आपने? प्रार्थना पत्र यहाँ तहसील दिवस में कोई था ही नहीं कर्मचारी, अपने DDC के नाम प्रेषित कराया, DDC को जाँच दी गई। जनपद सहारनपुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवीन सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई गई। पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों पर हमले के विरोध में जनपद मुजफ्फरनगर के चिकित्सकों ने हड़ताल रखते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बंगाल में हुए डॉक्टरों पर हमले के विरोध में दर्जनों डॉक्टरों ने हड़ताल करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर दर्जनों डॉक्टरों ने आज हड़ताल करते हुए हाथों में पोस्टर लेकर पश्चिम बंगाल में हुए डॉक्टर पर हमले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी है वह बेहद निंदनीय है और वहां की सरकार ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है।
मारपीट के दौरान हमारे दो डॉक्टर काफी चोटिल हुए हैं जो अब भी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं। इस दौरान आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर यूसी गौर ने बताया कि आज हम समस्त डॉक्टर काम बंद कर हड़ताल पर हैं। हम लोगों ने आज अपना रूटीन ओपीडी वर्क बंद कर रखा है, केवल इमरजेंसी सुविधाएं मरीजों को दी जा रही है। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमारे दो साथियों के साथ बर्बरता पूर्वक कार्रवाई जो समाज ने की है और उनके ऊपर जो क्षति पहुंचाई गई है, इसके विरोध में हम लोगों ने हड़ताल का निश्चय किया है। क्योंकि हमारी न तो बंगाल सरकार सुन रही है और न ही केंद्र सरकार सुन रही है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि मरीज का कोई भी तीमारदार हमारे साथ मारपीट न करे, ऐसा कानून बनाया जाए। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के सब सदस्य आज काम बंद हड़ताल पर हैं। हम लोगों ने अपना रूटीन ओपीडी वर्क आज बंद कर रखा है, केवल इमरजेंसी सेवाएं हम मरीजों को दी हैं आज। ये ऐसा हमने इंडियन मेडिकल हेडक्वार्टर के आह्वान पर बंगाल में हमारे दो साथियों के विरुद्ध बर्बरतापूर्ण हिंसात्मक कार्रवाई जो समाज ने की उनके ऊपर और उनको बहुत क्षति पहुंचाई है, उसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने इस हड़ताल का निश्चय किया है। क्यों? क्योंकि ना तो बंगाल सरकार सुन रही है और ना केंद्र की सरकार सुन रही है। हमारी मुख्य मांग है केंद्र सरकार से कि वो ऐसा कानून पारित करे जिससे कि समाज कोई व्यक्ति, कोई मरीज के रिश्तेदार या मरीज के मिलने वाले किसी भी डॉक्टर के ऊपर हाथ ना उठा पाएँ, उसको शारीरिक क्षति ना पहुँचाएँ, उसके अस्पताल नर्सिंग होम में तोड़फोड़ ना करें। ये अति आवश्यक है क्योंकि यदि ऐसा रहेगा तो हम भय के माहौल में जी करके हर समय अपनी सुरक्षा के प्रति सोचते हुए हम पूरी तरह तन्मयता से मरीज का इलाज नहीं कर पाएंगे। ये आज की एक दिन की हमारी सांकेतिक हड़ताल है। हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल सरकार और भारत सरकार दोनों हमारी मांगों पर विचार करेंगी और एक सिंपैथेटिक रवैया हमारे प्रति अपनाएंगे। आज ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है जो कि यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने रिसीव किया है। और फिलहाल वक्त तो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। सहारनपुर में आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला कार्यालय पर एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें न्यूज परिक्रमा पत्रिका के संपादक नवाजिश खान और प्रेमवाणी समाचार पत्र के संपादक सतीश आर्य ने विधिवत संगठन का फॉर्म भराकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष अमित विश्वकर्मा, जिला महामंत्री मुकेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष सुशील कपिल, जिला सचिव विनोद कश्यप आदि सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला प्रवक्ता मनोज कश्यप ने किया। अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अध्यक्ष जी अंतर्गत एक संगठन है जो पत्रकारों की, समस्त पत्रकारों की समय समय पर आवाज उठाता रहा है। इसी से प्रेरित होकर मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। जो मुझे अध्यक्ष जी की ओर से आदेश मिलेगा मैं उसके लिए संस्था में काम करता हूँ। पत्रकार एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण करते हुए आज मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और आलोक तनेजा जी के नेतृत्व में हम इनके सभी निर्देशों का पालन करेंगे और हम आशा करते हैं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में नए आयाम स्थापित करेगी और पत्रकार हित के लिए नए से नए कार्य जो प्रगतिशील पत्रकारों के लिए और पत्रकारिता के लिए आवश्यक होंगे उन सब पर कार्य किया जाएगा। हमें जो भी निर्देश प्राप्त होगा अध्यक्ष जी से हम उनके निर्देशों के अनुसार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में रहते हुए पत्रकारिता पर कार्य करेंगे। देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के परिवार में दो सदस्य वरिष्ठ पत्रकार आज शामिल हुए हैं जिसमें न्यूज परिक्रमा के प्रधान संपादक नवाजिश खान साहब और प्रेमवाणी के प्रधान संपादक सतीश आर्य जी ने आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण करी है। आज संगठन के जिला कार्यालय पर एक सादे समारोह में 4 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया है और बाकायदा उन्होंने सदस्यता फॉर्म भर के अपनी सहमति और अपना विश्वास ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में जताया है और विश्वास दिलाया है कि वो पत्रकारों के हितों के लिए, पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ हमेशा जंग में शामिल रहेंगे और पत्रकार हित के लिए 24/7 सक्रिय रहे।
जानसर कस्बे के गांव महलकी में चल रही रामकथा वाचक बाल साध्वी लक्ष्मी ज्योति ने रामचंद्र जी के विवाह का बड़े ही सुंदर वर्णन करते हुए कथा सुनाई, जिससे पंडाल में मौजूद सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर महिला एवं पुरुष मौजूद रहे। और एक सूचना है, ये जो हमारे श्रोता है ये मोबाइल लेके जो पास में आते हैं विश्वास था कि मिलन हो रहा। और एक सूचना है, ये जो हमारे श्रोता है ये मोबाइल लेके जो पास में आते हैं। मंगलवार की सुबह प्रातःकाल चलने वाले योग कक्षा के बाद एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय योग संस्थान शाखा जानसर के सभी पदाधिकारियों ने आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए विचार विमर्श करते हुए अपने अपने सुझाव रखे। मास्टर राजेश कुमार छत्रपाल व शीशपाल ने बताया कि आगामी 21 जून को डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, इसके लिए तैयारियां की जा रही है। वहीं 20 जून को योग के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली जाएगी। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए हलचल इंडिया।